है, इसके बावजूद इन्हें अब तक न सरकार न प्रशासन से कोई मदद मिला है। और दयावती किस तरह चलती है वो देखिए, आप चल के बताइए दयावती जी। और हाथों में चप्पल है, जो चप्पल पैरों में होना चाहिए वो हाथों में है, क्योंकि पैर से दयावती कमजोर है। और इसी तरह इसकी दिनचर्या है, देखिए इनको एक ट्राईसाइकिल भी नहीं मिला, ना शासन की कोई योजना नहीं मिला सिवाय पेंशन के, पेंशन इन्हें मिल रहा है और इसी तरह ये चलती है। और सरपंच क्या कहते हैं शौचालय बनाने को लेकर, इन्हीं से बात करते हैं। आपको कुछ मिलता है योजना का लाभ? नहीं। कुछ साइकिल वगैरह मिला है? नहीं। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि शौचालय तक के लिए सरपंच द्वारा ये कह दिया जाता है कि आपके भाई के बनाए शौचालय का उपयोग कीजिए। यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है ये, आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या हुआ, 80% के बाद तो ऐसे नियम है कि ऐसे दिव्यांग लोगों को शासन से मदद दिया जाता है। लेकिन सिरिकला की निवासी दयावती मजबूरन जमीन पर घिसट घिसट कर चलती है और शासन प्रशासन से अब तक गुहार लगाते थक चुकी है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और छत्तीसगढ़ पहुंची भगवान श्री राम की चरण पादुका, श्रीलंका से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंची चरण पादुका, जिसकी पूजा की गई, 2 देशों 8 राज्यों से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी भगवान श्री राम की चरण पादुका। मध्य प्रदेश होते हुए अयोध्या नगरी के लिए ये पादुका ले जाई जाएगी और इस पादुका का वंदन करने के लिए, इस पादुका को नमन करने के लिए यहां पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश होते हुए अयोध्या नगरी भेजी जाएगी ये चरण पादुका। भगवान की पादुका है तो विशेष, ये बहुत महत्व रखती है, तो ये किस धातु से बना है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इसमें 2 प्रकार के हैं, एक तो चरण चिन्ह है भगवान राम और माता सीता के, जो पूरे 290 स्थान है, तीर्थ है जहां पर भगवान राम गए थे, उन स्थानों की मिट्टी और उन नदियों का जल उसको लेकर के वो बनाई गई है, तो एक विशेष प्रकार से पूजित है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व है उसमें, एक तो ये। और दूसरा जो है उसमें चरण पादुका है, जो वो चांदी की है, उसमें उनके जो चिन्ह है उनको बनाया गया और वो अभी तक 150 स्थानों से पूजित होकर के आई हैं, लाखों लोगों का उस पर शुभकामनाएं हैं, उनका पूजन किया है लाखों लोगों ने, तो निश्चित रूप से वो एक यहाँ से लौकिक शक्ति। यहाँ से यात्रा कब निकल रही है और अयोध्या तक कब तक पहुंच जाएगी? क्या ये सड़क मार्ग से पैदल जा रहे हैं या किस तरीके से आप लोग निकल रहे हैं? नहीं, हम गाड़ियों से निकले, श्रीलंका से हम हवाई मार्ग से आए थे मदुरई तक, मदुरई से फिर हमारा ये सड़क मार्ग से हम रामेश्वरम, रामेश्वरम से त्रिची, त्रिची से ऐसा होते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, ऐसा करते हुए अभी हम छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ से ये मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी, मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिर अयोध्या जाकर के 20 तारीख को वहां हम मिल जाएंगे। 20 तारीख से फिर हमारा एक वहां पर प्रदर्शनी रहेगी, पूरे देश में हमारी यात्राओं को कैसा समर्थन मिला है, क्या योगदान रहा है, जो हमारे साथ VIP जुड़ रहे हैं, संत जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर जुड़ रहे हैं, उनके आशीर्वचन, उनके साथ हमारे फोटोग्राफ्स, उनका आशीर्वाद, ये पूरे देश के सामने हम प्रदर्शित करने वाले हैं अयोध्या में। तो भगवान श्री राम की चरण पादुका को लेकर संगठन के लोग निकले हैं और ये मध्य प्रदेश से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, विधि विधान से पूजा अर्चना कर हर जगह स्वागत किया जा रहा है। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। और बलौदाबाजार को जिला बने हुए 12 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन जिले में अभी तक डायल 112 की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। वहीं जिले में डायल 112 वाहनों की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि साल 2023 में जिले में 536 सड़क दुर्घटनाएं हुई जिनमें 269 लोगों की जान चली गई। SSP दीपक कुमार झा ने कहा कि अगर जिले को डायल 112 वाहनों की सौगात मिल जाए तो सड़क हादसों में घायल लोगों तक मदद जल्द पहुंच जाया करेगी और इससे जान गंवाने वाले लोगों की जान बचाई जा सकेगी, आंकड़े कुछ बेहतर रहेंगे। मुंगेली में प्रयास नाम की एक सामाजिक संस्था ने नए साल पर बैगा बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया है। लोरमी इलाके में दूरस्थ वनांचल के गांव बिसौनी और सरसोहा में, जहां न तो स्कूल की सुविधा है और न ही आंगनबाड़ी की,
ऐसे गांव में पहुंचकर प्रयास संस्था ने पाठशाला की शुरुआत की। वहीं बच्चों को शिक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए कॉपी, किताब और निःशुल्क ड्रेस की सुविधा दी जा रही है। वहीं संस्था के प्रमुख राम किंकर ने बताया कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों के माता पिता को फीस के रूप में 2 फलदार पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आपने प्लास्टिक या कपड़े की चटाई तो देखी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले की गौशाला के कारीगरों ने गोबर और गौमूत्र की चटाई बनाकर सबको चौंका दिया। गोबर और गौमूत्र की बनी यह चटाई देश की पहली चटाई बताई जा रही है। यही नहीं, गोबर और गौमूत्र की बनी यह चटाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेंट की जाएगी। सुरक्षा जांच के बाद जल्द ही इसे दिल्ली भेजा जाएगा। गौरतलब है कि चटाई बनाने में गाय का करीब 100 किलो गोबर और गौमूत्र इस्तेमाल किया गया। और अब खबरें 2020 अंदाज में। बिलासपुर में मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस सड़क पर पलटी, हादसे में 2 लोग हुए घायल। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। धमतरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सड़क से हटाया गया कब्जा। धमतरी में दुकानदारों ने किया प्रदर्शन, अंगार मोती ट्रस्ट के खिलाफ दिखाया गुस्सा। जांजगीर